Hello, today we will talk about image-to-image translation, specifically CycleGAN. So what is image-to-image translation? Image-to-image translation is generating a new synthetic version of a given image with a specific modification. हम एक गिवन इमेज को किसी और नए इमेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं, किसी और नई वर्जन में कन्वर्ट कर रहे हैं. एग्जाम्पल कुड बी ट्रांसलेटिंग एन इमेज विद द समर लैंडस्केप टू विंटर लैंडस्केप. हमारे पास एक इमेज है जिसके अंदर समर्स की वाइब्स हैं, बट वी वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इन टू विंटर लैंडस्केप, दैट इज देयर इज स्नो एंड ऑल द फ्लावर्स आर नॉट ग्रीन. सो वी कैन डू इट थ्रू इमेज टू इमेज ट्रांसलेशन. एंड देयर इज अनदर एग्जाम्पल, दैट इज ट्रांसलेटिंग पेंटिंग्स टू फोटोग्राफ्स. So, what happens when we need to do image-to-image translation? अभी तक हमने देखा कि जब हम generative adversarial networks के through कोई भी generation का process करते हैं, कोई भी image generation का task perform करते हैं, we need a paired examples. हमें एक super resolution, एक low resolution image को high resolution image में convert करना है, तो we need to a pair. कि हमारे पास एक low resolution image है और एक high resolution image should be there. और इसके अलावा हम कोई भी टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो हमें एक पेयर्ड एग्जांपल चाहिए ताकि हमारा नेटवर्क लर्न कर सके कि व्हाट्स ट्रूथ एंड व्हाट इज नॉट ट्रूथ. सो लैंडस्केप्स को कन्वर्ट करने के लिए वी विल बी नीडिंग लार्ज डेटा सेट, और इस तरह का डेटा सेट जनरेट करना कैन बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इज डजंट एग्जिस्ट. सो व्हाट हैपेंस, हम इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं कि एक हमें समर लैंडस्केप से विंटर लैंडस्केप में ट्रांसलेशन करनी है. ऑलराइट, सो होता ही है, अब हम कैमरा सेट करके तो नहीं बैठेंगे कि दिस प्लेस इज, अभी हमने समर में एक पिक्चर कैप्चर की है, देन कम्स अ विंटर एंड देन वी टेक अनदर पिक्चर, एंड इट्स वेरी इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल टू जनरेट सच डेटा सेट. सो हमें किसी ऐसी टेक्निक की ज़रूरत है जो अनरिलेटेड, जो पेयर डेटा सेट ना होने के बावजूद हमें रिजल्ट्स जनरेट करके दे दें, इमेज को ट्रांसलेट करके दे दें. हम उसे कुछ इमेजेस दें, ये बिलोंग करते हैं फला कलेक्शन से, दे बिलोंग टू विंटर कलेक्शन, एंड देयर अ सेट ऑफ इमेज दैट बिलोंग टू समर कलेक्शन. और ऐसी टेक्निक हो जो उसके इनसाइड पैटर्न्स को अंडरस्टैंड कर सके कि इसमें क्या चीज़ें हैं जो हमारे पास एक वेदर का वेदर के फीचर्स को डिटरमिन कर रही हैं, कौन सी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो एक समर में एग्जिस्ट करती है, कौन सी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो विंटर में एग्जिस्ट करती है. सो व्हाट द पर्पस इज, वी नीड अ मॉडल दैट कैन वर्क ऑन जनरेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच कलेक्शन एंड यूज दैम इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस. ओके, देयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमेज टू इमेज ट्रांसलेशन. देख सकते हैं कि कन्वर्टिंग zebras into horses and horses into zebras. In the first image we can see that ki humne input diye ek horse ka image and we got the output image of zebra. Ab uske bilkul same wahi scene hai, just the texture of the texture is different, so it looks like the zebra. And in similarly in the second first draw and second image we can see that horses are being converted into zebras with the same feature, with the same setup, with the same content. Just the हमारा जो मेजर फोकस था कलेक्शन, एक कलेक्शन दूसरे कलेक्शन में ट्रांसलेट करना, दैट हैज बीन डन. एंड सिमिलरली इन द सेकेंड रो वी कैन सी दैट वी हैव कन्वर्टेड द ज़ेब्रास इमेजेस इनटू हॉर्सेस इमेजेस. ऑलराइट, दिस इज द एग्जांपल फॉर इमेज टू इमेज ट्रांसलेशन. सो जो कि हमने पहले इशू देखा कि हमें पेयर्ड एग्जाम्पल्स चाहिए इन ऑर्डर टू ट्रांसलेट इमेजेस. सो हमारे पास एक वी नीडेड एन सोल्यूशन दैट कुड डू इट विदाउट पेयर्ड एग्जाम्पल्स. सो हियर कम माय रिसर्च. हियर कम्स अ रिसर्च दैट प्रपोज CycleGAN इन ऑर्डर टू परफॉर्म दैट इमेज टू इमेज ट्रांसलेशन विद अनपेयर्ड इमेजेस. सो CycleGAN इज एन अप्रोच to train image-to-image translation model using the generative adversarial networks. Paper presents a method that can learn special characteristics of one image collection, figuring out how this characteristic could be translated into other image collection, all in the absence of pair training example.
हम एक कलेक्शन में से ही अंडरस्टैंड करते हैं एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. वी लर्न देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वी लर्न हाउ वी कैन यूज दिस कैरेक्टरिस्टिक्स टू ट्रांसलेट एन अदर इमेज विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर्ड एग्जाम्पल्स. सो दिस इज अ GAN नेटवर्क, द नेटिव एडवर्सरी नेटवर्क. इट हैज टू जनरेटर्स एंड टू डिस्क्रिमिनेटर और ये इनको साइमल्टेनियसली ट्रेन करता है. So what happens in a cycle GAN? One generator takes image from first domain as input and output images for the second domain. Let's take the example of zebras and horses. So वो क्या करता है, जो हमारा पहला जनरेटर है, it takes input a zebra image and outputs an image that is translated into horses. और जो कि हमारा दूसरा जनरेटर नेटवर्क है वो क्या करेगा, it takes input as a horse image and output a zebra image. ठीक है, एंड डिस्क्रिमिनेटर मॉडल जो उसका पहले से हम जानते हैं, what it does प्लॉजिबिलिटी को डिटरमिन करता है ऑफ जनरेटेड इमेजेस. इसमें दो डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क्स हैं जो दोनों ही काम करते हैं. सो देयर कम्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल कंसिस्टेंसी इन द साइकिल GAN. व्हाट वी डू इज हम इनपुट करते हैं एक इमेज को टू द फर्स्ट GAN. And the output of that GAN is passed as an input to the second GAN, and second GAN generates the image that is from the same domain as our input image. So हम क्या कर सकते हैं, उस दो GAN के बाद जो generated image है, उस generated image को हम compare कर सकते हैं actual input के साथ. All right, we don't need an explicit example. हमें कोई actual ground truth नहीं चाहिए, हम उसी input के साथ उसे compare कर सकते हैं in order to check the consistency in our network. So this is true as a reverse as well. Yani hum usko dono taraf se dekh sakte hain, dono domains ko hum as a input rakh ke is consistency ko determine kar sakte hain. So there is an additional loss other than the adversarial loss jo ke hamare generator ko or discriminator ko optimize karta hai. This loss is we compare the input and the output that comes from the second generator, alright, and the reverse. हम ये देखते हैं कि जो हमने input let's say अगर हमने zebra input किया है, first generator converted into horse, and then the second generator converted that generated horse image into zebra image, and then we compare both zebra's image that is generated as an output of the second generator and that was given as an input to the first generator. So we compare them. हम उनके दरमियान में pixel wise comparison भी कर सकते हैं and other comparisons as well. To see what is there any consistency or not. So there is another example. हम इसको देखते हैं how cycle GAN works. हमारे पास एक collection है. This is another example of summer landscapes and another collection is from winter landscapes. All right. So GAN one हमारे पास क्या करता है, translate photos of summer to winter collection. GAN one का purpose ये है and GAN two translates photos of winter to summer collection. All right. GAN हमारे पास जो है इज अ कंडीशनल जनरेटर मॉडल. कंडीशनल जनरेटर मॉडल इज एज वी हैव सीन कि हमारे पास जो जनरेटर नेटवर्क है वो एक रैंडम नॉइज से इट कैन जनरेट सैम्पल्स दैट कैन बिलोंग टू डोमेन अ पर्टिकुलर डोमेन. सो कंडीशनल इन कंडीशनल जनरेटर नेटवर्क वी हैव इनपुट एज वेल, वी हैव कंडीशन एज वेल कि जस्ट सिर्फ नॉइज से अपने डेटा जनरेट नहीं करना. We have that condition as well कि इस इमेज ये इमेज देखो और इस इमेज की तरह का कुछ ना इससे कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करो और जो आउटपुट हो वो उस पर कंडीशन होना चाहिए. ऑल राइट, एंड the discriminator and generator model for GAN are trained under the normal adversarial loss like a standard GAN model. ठीक है, ये तो हमारा adversarial loss हो गया, इसके थ्रू हम ट्रेन करते रहते हैं. सो what happened? Generator model 1 takes photos of summer collection. Output का क्या कहता है, generate photos of winter collection. All right. Discriminator model क्या कहता है, takes photos of winter collection from collection 2 and output from the generator model 1. वो actual जो हमारे पास winter collection है उसके images को और जो हमारे पास winter collection है जो generated की गई है उनके images को as input लेता है और output करता है, likelihood बताता है कि वो कितने real है. Similarly जो दूसरा हमारे पास GAN का model है वो input लेगा winter collection की
और आउटपुट करेगा समर कलेक्शन को, और डिस्क्रिमिनेटर मॉडल वो जनरेटेड समर कलेक्शन को और एक्चुअल समर कलेक्शन को उनके दरम्यान में लाइक्लीहुड कंपेयर करेगा. ठीक है, अब इससे क्या होगा कि मॉडल विल बी एबल टू जनरेट प्लॉजिबल इमेजेस जो कि फोटो रियलिस्टिक होंगे और बट इमेजेस ट्रांसलेट नहीं हो रहे होंगे. ऑलराइट, ट्रांसलेशन का मतलब है कि सेम सिनेरियो सेम सेटअप जो है वो कन्वर्ट हो रहा है हमारा एक दूसरे लैंडस्केप में. ऑलराइट, सो उसके लिए हम क्या कहते हैं, जैसे हमने कंसिस्टेंसी लॉस के बारे में पढ़ा उसी कंसिस्टेंसी लॉस को हम आगे यूज करते हैं. साइकिल कंसिस्टेंसी लॉस कंपेयर्स एन इनपुट फोटो टू द साइकिल गैन टू द जनरेटेड फोटो. हम इन दोनों इमेजेस के दरम्यान में जैसे हमने पहले देखा हम डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं L1 नॉर्मलाइजेशन डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और सम एब्सोल्यूट डिफरेंस इन पिक्सल वैल्यूज भी देख सकते हैं कि एक्चुअल इनपुट और जो दो गैन के साथ पास होकर हमारे पास आउटपुट आई है उन आउटपुट के दरम्यान में उस दोनों के दरम्यान में हम डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इसमें भी कंसिस्टेंसी लॉस दो तरह कर सकते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. ऑलराइट, सो फॉरवर्ड में व्हाट हैपेंस, इनपुट फोटो अगर हमने उन्हें समर की दी है, आउटपुट फोटो गैन वन ने जनरेट किया विंटर की और वो हमने आउटपुट फोटो विंटर की पास टू गैन टू एंड गैन टू हैज जनरेटेड अ समर फोटो. सो वी हैव एट आउटपुट अ समर फोटो जनरेटेड बाय टू गैन्स एंड एट इनपुट वी हैव अ समर फ्रॉम एक्चुअल समर कलेक्शन. सो वी कंपेयर देम बोथ. Alright, this is a forward consistency loss and there is a backward consistency loss, that is input photo of winter. Alright, हमने GAN 2 को जो है हमने photo winter की input कर दी and it has generated a summer photo और वो summer photo हमने pass की है दोबारा से GAN 1 को and GAN 1 generated another winter photo और हमने अब उन दोनों का आपस में comparison कर लिया. So here we have a backward consistency loss. We use the consistency loss, cyclic consistency losses and adversarial losses in order to optimize our network. So this is how CycleGAN works. We can translate images without having actual paired examples. There are some examples which CycleGAN through the applications that have been developed. Converting apple into oranges and oranges into apple. The first row shows the examples when apples are being converted into oranges in the same setup, in the same scenario. Pehli picture mein hum dekh sakte hain ki wo they are closer picture of apples and closer picture of another closer picture of large quantity of apples. Then we can see ki wo tree ke upar bhi jab humne apples rakhe to usne tree ke upar apples ko bhi convert kar diya hai oranges ke andar. And similarly the same thing has been applied to oranges and apple. At the end we have two generators, हमारे पास दो GANs होते हैं, हम दोनों को use कर सकते हैं एक domain से दूसरे domain में जाने के लिए और दूसरे domain से पहले domain में आने के लिए. There is another example that is photograph generation from paintings. Here we can see कि हमने input में painting दिया और output में हमारे पास एक photorealistic image है. And there is another example that is photograph enhancement. We have applied some filters. Let's say here we can see कि जी input image है, हमने उसमें background को blur कर दिया, ठीक है, और इसी तरह से हम images की quality को भी enhance कर सकते हैं, उनकी illumination की settings कर सकते हैं by using CycleGAN.